तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से फिल्म सफर में। दोस्तों आज इस वीडियो में पता है एक भाई साहब है यार, बहुत दिल से कमेंट कर रहे हैं कसम भगवान, और वो फिल्म तुक्का फिट के बारे में पूछ रहे हैं। अब यार जानकारी अगर सही ढंग से निकल के आएगी तभी मैं बता पाऊंगा ना, और अब जाके दो तीन दिन में मैंने स्टडी की तो कुछ ना कुछ जानकारी निकल के आई है कि आखिर तुक्का फिट जो मूवी है मीमोह चक्रवर्ती की, वो रिलीज भी हुई है या फिर नहीं, और अगर रिलीज हुई है तो कहाँ है, बताते हैं आप। मीमोह चक्रवर्ती की सबसे बेहतरीन और सबसे नंबर वन कॉमेडी फिल्म आने वाली थी, जो कि 2012 या 13 में रिलीज होने वाली थी। फिल्म का नाम तुक्का फिट, और इस फिल्म में मीमोह चक्रवर्ती के साथ राजपाल यादव जैसे दिग्गज कलाकार नजर आते हैं, जिसका पोस्टर भी लॉन्च किया गया, ट्रेलर भी लॉन्च किया गया, लेकिन फिल्म की रिलीज डेट भी दिखाई जाती है 7 सितंबर 2013। लेकिन कोई भी फैंस, यहाँ तक कि मैंने खुद ढूंढा यार, मुझे खुद नहीं मिला देखने को, मैं सोचा मैं एक बार देखूँ, इतनी मस्त ट्रेलर लगा मुझे, लेकिन नहीं मिली फिल्म। अब इसके बारे में जब जानकारी निकल गई तब मालूम पड़ा कि यार ये तो फिल्म रिलीज ही नहीं हुई है, मतलब कि रिलीज होने वाली थी और पिक्चर पूरी बनकर कंप्लीट थी, लेकिन फिर भी फिल्म नहीं रिलीज हुई। 7 सितंबर 2013 को यह फिल्म आने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश यह फिल्म नहीं आ पाई थी। उसके बाद 2018 में भी इस फिल्म की चर्चा रिलीज करने की गई, और इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर या राइटर थे इन सभी ने इस फिल्म को एकदम से ही क्लोज कर दिया, और इस फिल्म की जो राइटिंग थी, जो स्टोरी थी, उस फिल्म को एक दूसरी फिल्म में डाल दिया और वह फिल्म रिलीज हुई। अब आपको याद दिला दें कि वह फिल्म कौन सी है, फिल्म लूट केस। अगर आप फिल्म लूट केस देखेंगे तो उसमें आपको साफ साफ दिखेगा जितनी कहानी इस फिल्म में दिखाई गई है वो सेम कहानी उसी फिल्म में डाली गई है। ये खुद IMDB की फैक्ट रिपोर्ट बताती है कि मीमोह चक्रवर्ती की फिल्म जो आई थी, आने वाली थी तुक्का फिट, वो लूट केस में उस कहानी को डाल दिया गया है, और यह फिल्म तुक्का फिट नहीं आ पाई है। तो कुल मिलाकर इस फिल्म का ट्रेलर तो आया था, कुछ पोस्टर तो लॉन्च हुए थे, कई सारे इवेंट्स भी हुए थे, लेकिन फिल्म अभी तक नहीं आई है। और इसी फिल्म की कहानी को लूट केस फिल्म में, जो कि कुणाल खेमू की थी, उसमें डाल दिया गया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह फिल्म एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी थी, जी हाँ, जिसमें कुणाल खेमू ने काम किया था। हालांकि बड़े पर्दे पर नहीं आई थी, OTT पे आई थी, लेकिन OTT पर ही कुणाल खेमू की यह फिल्म छा गई थी, और इस फिल्म में एक्टिंग जो की थी उन्होंने, उसकी तारीफ तो अमिताभ बच्चन ने भी की थी। अगर मीमोह चक्रवर्ती की तुक्का फिट आती वो भी कमाल कर पाती, लेकिन पता नहीं क्या वजह थी यार फिल्म नहीं है, क्योंकि वजह इसके सामने नहीं है भाई, तो वजह मैं नहीं लेके आया हूँ। लेकिन इस फिल्म की जो जुड़ी जो अपडेट थी वो मेरे पास जो निकल के है, जो हमने ढूंढी, वो यही निकल के है कि यह लूट केस फिल्म जो थी वो इसी की कॉपी की गई है, और यह फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। फिलहाल अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, लाइक करिएगा, और हाँ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।